हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक नहीं दो नहीं तीन तीन जो है मैंगो स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इजी और डिलीशियस होती हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं मैंगो मस्तानी। पुणे की बहुत ही फेमस ठंडी ठंडी मैंगो मस्तानी बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह के लेंगे आम। मैंने यहाँ पर दो मैंगो लिए हैं इस तरह के, अच्छे से वॉश करके उन्हें जो है पील कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंगो का ये छिलका जो होता है उसे हम जो है उतार लेंगे। इसी तरह से हम दोनों मैंगो के जो है छिलके अच्छे से उतार लेंगे। मैंगो खाने में ना बहुत ही टेस्टी होते हैं और गर्मियों का ना ये बहुत ही अमेजिंग फ्रूट होता है। अच्छे से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें कट कर लिया है। अब लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें अपने मैंगो पीसेस को ट्रांसफ़र कर देंगे। थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। दो बड़े चम्मच शुगर डालेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इसका एक हमें जो है फाइन सा पेस्ट बनाना है। दो से तीन मिनट अच्छे से इसे चर्न करने के बाद हम जो है यहाँ पर इस तरह का इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसका फाइन पेस्ट बन गया है। ये देखिए, अब यहाँ पर हाफ कप जो है मैंने मैंगो पल्प लिया है और उसमें डाला है एक कप ठंडा चिल्ड दूध। यहाँ पर हम डालेंगे दो जो है बड़े चम्मच भर के आइसक्रीम। इससे जो हमारा जो ये मैंगो मस्तानी का मिक्सचर बनेगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी बनेगा। अच्छा सा इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो आइसक्रीम की जगह थोड़ी सी घर की जो फ्रेश मलाई होती है ना, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमारा जो मिक्सचर है वो बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही क्रीमी और स्मूथ बना है। ये देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी मैंगो मस्तानी की प्लेटिंग करते हैं हम। उसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के दो जो है बड़े ग्लासेस लिए हैं। आपके पास जैसे भी ग्लासेस अवेलेबल हो आप ले सकते हो। सबसे पहले हम डालेंगे मैंगो पीसेस, उसके बाद डालेंगे बड़ा स्पून भर के ना आइसक्रीम। आइसक्रीम डालने से बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। इसकी जो ये प्लेटिंग होती है ना, इसकी वजह से इसे जो है मैंगो मस्तानी कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने डाले हैं चॉप जो है ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिए हैं काजू, बादाम और किशमिश। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने जो ली है टूटी फ्रूटी रेड और ग्रीन कलर की। अब हम डालेंगे अपना थिक और जो है क्रीमी सा मैंगो मिक्सचर। बहुत ही थिक जो है इसकी कंसिस्टेंसी है। मैंगो मस्तानी के लिए थोड़ा ना थिक वाला मिल्क शेक बनाया जाता है। ये देखिए, हमने इसमें जो आइसक्रीम डाली है ना, उसकी वजह से इसकी थिकनेस और भी ज़्यादा हो जाती है। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी के साथ इसे गार्निश करेंगे और इस पर डालेंगे फिर से एक बड़ा स्पून भर के ना आइसक्रीम। बहुत ही क्रीमी और जो है ना बहुत ही रिच बनता है हमारा मैंगो मस्तानी। ऊपर से हमने लगाए हैं मैंगो चंक्स, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। आप ड्राई फ्रूट्स ना अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और कलरफुल टूटी फ्रूटी के साथ सर्व करेंगे। और ये लीजिए, हमारी बहुत ही टेस्टी और क्रीमी मैंगो मस्तानी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखने में इतनी सुंदर लगती है ना कि इसे देखने के बाद ना बिल्कुल भी वेट नहीं होता, बस झटपट से इसे पीने का मन करता है। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग पुणे की बहुत ही फेमस मैंगो मस्तानी आप इजीली घर पर बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, आप इसे चाहें तो स्पून से खा भी सकते हैं या फिर इसे पी सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं दूसरी रेसिपी, मैंगो स्मूदी। टेस्टी, डिलीशियस और हेल्दी मैंगो स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक आम और उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और किसी भी पीलर या नाइफ की हेल्प से उसे अच्छे से पील कर लेंगे। इस तरह से हम जो मैंगो का ये छिलका होता है उसे हम उतार लेंगे। अब किसी नाइफ की हेल्प से हम जो है उसके छोटे छोटे जो है पीसेस कट करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी जो है मैंगो का पल्प निकाल सकते हैं, स्पून से भी ईजिली निकल जाता है। यहाँ पर मैंने मैंगो को अच्छे से कट कर लिया है। अब लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें ऐड करेंगे हाफ कप मैंगो पीसेस। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप जो है दही। दो पत्ते मैंने तुलसी के डाले हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैं हनी ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से ग्राइंड करके इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे, बिल्कुल इस तरह का। ये देखिए, अगर आप चाहें तो कंसिस्टेंसी को जो है ठीक करने के लिए आप इसमें जो है आइस क्यूब्स या फिर चिल्ड वाटर ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमारा ठंडा ठंडा बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस, हेल्दी सी मैंगो स्मूदी बनकर बिल्कुल रेडी है। और फ्रेंड्स, है ना ये बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी।
सिंपलीना स्मूदी क्या है? जब हम किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट की प्यूरी को जो है मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं या फिर डाइल्यूट करते हैं किसी भी लिक्विड मीडियम लाइक वाटर, मिल्क या फिर कर्ड, तो वो बन जाती है स्मूदी। स्मूदी जो है बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी होती है। आप किसी भी फ्रूट की जो है स्मूदी बना सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हो। सीज़न में जो है मैंगो थे तो मैंने इसलिए मैंगो स्मूदी बनाई है। बहुत ही टेस्टी, इजी और डिलीशियस। आप इसे जो है अपने ब्रेकफास्ट में लीजिए, आपको पूरा दिन ना बहुत ही एनर्जेटिक सा फील होगा। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होती है। और सबसे अच्छी बात ना, आप इसे पानी, दूध या दही किसी के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं तीसरी रेसिपी, जो है मैंगो शेक। एकदम मार्केट स्टाइल थिक और क्रीमी मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरह के 2 आम लिए हैं। आम को अच्छे से हम धो लेंगे और इन्हें अच्छे से छील लेंगे। ये देखिए, नाइफ की हेल्प से आप जो है इस तरह से इन्हें पील कर लीजिए। मैंगो का जो ये छिलका होता है उसे हम उतार लेंगे। आप चाहें तो मैंगो को कट करके स्पून से भी जो है मैंगो का पल्प निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह मैंने इसे जो है छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और उसमें ऐड करेंगे मैंगो पीसेस। इसमें 2 टेबलस्पून हम शुगर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इसका एक फाइन सा हमें पेस्ट बनाना है। शुगर डालकर मैंगो को ग्राइंड करने से उसके जो चंक्स है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं और एक बहुत ही स्मूथ सा हमारा जो है प्योरे बन जाता है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का बहुत ही फाइन पेस्ट हमने जो है इसका रेडी कर लिया है। मैंगो का मिक्सचर हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब 1/2 कप मैंगो पल्प में 1 कप जो है हम दूध डालेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घर की फ्रेश मलाई और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मलाई डालने से हमारा जो क्रीमी सा मिल्क शेक बनेगा, बिल्कुल जैसा मार्केट वाले देते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही थिक और क्रीमी मिल्क शेक। आप चाहें तो इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। मैंगो मिल्क शेक को सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के 2 ग्लासेस लिए हैं और उसे थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम से इसे डेकोरेट कर लिया है। ये देखिए, इसे हम 2 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे ठंडा होने के लिए और उसके बाद अपना ठंडा ठंडा मिल्क शेक पोर करेंगे। और ये देखिए, हमारा क्रीमी सा मिल्क शेक बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम से मैंने इसे डेकोरेट किया है और इसके ऊपर आप कोई चेरी लगा सकते हैं या फिर मेरी तरह जो बच्चों वाली वो जेली आती है ना, जस्ट जेली, मैंने वो लगाया है। आप मैंगो पीसेस से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमारा एकदम क्रीमी थिक और मार्केट स्टाइल मैंगो मिल्क शेक बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और घर पे रखे हुए सिंपल इंग्रेडिएंट से आप एकदम थिक और क्रीमी मार्केट स्टाइल मिल्क शेक बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और मैंगो का ये मिल्क शेक ना सभी को बहुत पसंद आने वाला है। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।